इस बार के सावन में यूपी पर सौगातों की झड़ी लगने वाली है। अगस्त में एक साथ 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। चुनावी साल में यूपी पर धन की बरसात, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी वार मोड पर है। पीएम मोदी समेत पार्टी का टॉप लीडरशिप अगस्त में यूपी का रुख करने वाले हैं। इसके जरिए यहां एक और संगठन को धार दिया जाएगा तो वही योगी मॉडल की चमक और निखारने की भी कोशिश होगी। इसके लिए अगले महीने उत्तर प्रदेश को एक साथ 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। इसमें 22,494.66 करोड़ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 1,492 करोड़ का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शामिल है। अगस्त में ही गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो सकता है। इसके लिए अभी 7,200 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। 2021-2022 के बजट में योगी सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मिर्जापुर में 331 करोड़ रुपए से विंध्यवासिनी कॉरिडोर और लखनऊ में 200 करोड़ की लागत से विधि विज्ञान संस्थान का भी शिलान्यास होना है। साथ ही अगले महीने यूपी को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज भी मिलने वाले हैं। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास की जो योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाया। पिछली सरकारें विकास में भी राजनीति करती थी, क्योंकि सरकार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा करी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में किया था। ये 1.5 साल कोविड का काल रहा, लेकिन कोविड के काल में भी लगभग 60% से ज़्यादा काम हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे पूरा कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे काम पूरा हो चुका है। जिस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जैसा भी निर्णय करेंगे, हम उसके शिलान्यास के लिए तैयार हैं। जेवर एयरपोर्ट, जो एक विशाल एयरपोर्ट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, हम एशिया का कम से कम सबसे बड़ा एयरपोर्ट उसको बनाना चाहते हैं, वो फेजेस में। जाहिर है डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी पर विकास योजनाओं की बरसात हो रही है, लेकिन विपक्ष को ये महज चुनावी लॉलीपॉप नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की अब तो चली चला की बेला है। सरकार पर कितना समय बचा है, मगर 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया। 2022 में चुनाव है तो अब सपने फिर बेचेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की जनता अब सपने नहीं, हकीकत देखना चाहती है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगस्त महीने में सरकार उत्तर प्रदेश में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रही है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो इन परियोजनाओं के जरिए भाजपा की कोशिश है कि अगले चुनाव को साधा जाए। वहीं इन कार्यक्रमों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पिछले 4 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब चुनाव के वक्त सरकार लोगों को चुनावी लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिलाषण के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। मिशन 2022 के लिए बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक 24/7 एक्टिव मोड में है। दिल्ली में 2 दिनों तक बीजेपी सांसदों के महामंथन से एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बीजेपी की तैयारी, सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी। सांसदों की गांव यात्रा से योगी को आशीर्वाद। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी के यूपी विजय के महाप्लान पर 2 दिनों के महामंथन में सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में महामंथन के दूसरे दिन अवध
काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ चर्चा है, जबकि बुधवार को ब्रज, पश्चिम और कानपुर के बीजेपी सांसदों से फीडबैक लिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए काम करती है। इसका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं हो रहता है कि हम पावर में रहे और सत्ता में रहे, बल्कि हम लोगों की सेवा कर पाए, उसी के बारे में बार बार हम संकल्प लेते हैं। इस तरह की मीटिंग में संकल्प लेते हैं, सबका यही था कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर पे हम जाए, राशन पहुंचाने का काम घर घर तक करें और जितनी भी सुविधाएं लोगों को पहुंचाना सकते हैं वो पहुंचाएं, और साथ साथ आगे आने वाले इलेक्शन में के लिए भी हम पूरे जोर से लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, पूरे दमखम से लड़ेंगे। महामंथन में बीजेपी सांसदों को आगरे का पेठा खिलाकर, जहां आपसी कड़वाहट और मनमुटाव को दरकिनार कर चुनावी महादंगल की तैयारी में जुट जाने की सलाह दी गई, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों को होमवर्क देना नहीं भूले। सांसदों को गांव से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी सांसद खुली जीप में घूमकर मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। सांसदों को जमीन पर सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने को कहा गया है, साथ ही हर गांव में ट्रेंड स्वास्थ्य स्वयंसेवक नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करने वाली पार्टी है तथा केवल वो चुनाव की ही चिंता नहीं करती, और भी जैसे मैंने सेवा ही संगठन की बात कही या अन्य काम भी हैं, चुनाव के अलावा भी हम लोग सक्रिय रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, हमारा जो सांसद है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सक्रिय होंगे। बीजेपी सांसदों के आशीर्वाद यात्रा निकालने के फैसले पर विपक्ष ने चुटकी ली है, कांग्रेस ने इसे डैमेज कंट्रोल बताया है। अपने सांसदों को ये काम सौंपा जाना कि वो प्रदेश भर में घूम घूम कर आशीर्वाद यात्रा निकाले, ये सिर्फ एक डैमेज रिपेयर है जो केंद्र की सत्ता करना चाहती है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता जानती है कि प्रदेश की सरकार से ही केंद्र की सरकार का रास्ता खुलता है। दरअसल विपक्ष की परेशानी ये है कि चुनाव से लेकर अब तक उनकी तैयारी शुरुआती स्टेज पर है, जबकि बीजेपी 2022 के महादंगल को जीतने के लिए अपनी रणनीति पर काफी आगे बढ़ चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।